हेलो गाइस, दिस इज मी शेबर एंड यू आर वाचिंग आर्ट बाय शेबर। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डूज एंड डू नॉट। एक बिगनर को जो नहीं करना चाहिए, डू नॉट एंड डूज, जो एक अगर आप एक अच्छा आर्टवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो बेसिकली मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस सीरीज़ में सबसे पहले जो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ मैं आइस, तो आप उससे देख के समझ सकते हैं, जो आपकी गलतियाँ हैं वो आप सुधार सकते हैं। तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं सीधे बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय दिस लिटिल मिस्टेक जो आपसे हो जाती हैं। तो चलिए बात करूँ अगर मैं मटेरियल की, तो मैं यहाँ पे स्टेडलर की पेंसिल एंड जनरल की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और वहीं अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मोनोटोम्बो ज़ीरो इरेज़र एंड नेडेबल इरेज़र। एंड अगर मैं ब्लेंडिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करूँगा, ब्लेंडिंग ब्रश एंड ब्लेंडिंग स्टम्प, जो कि इनफ है रियलिस्टिक आई बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डोंट के बारे में। एंड इसमें बिगनर जो मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो वो अगर आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा दबा के डीपली मतलब उसे ड्रॉ करते हैं, जिससे होता यह है कि एक इंटेंडिंग इफ़ेक्ट आ जाता है, जो कि अगर आप शेड करेंगे रियलिस्टिक आई ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो दिक्कत देता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप अगर आई को ड्रॉ करें तो ध्यान रखें जो पीपल का साइज़ जो रहता है वो पूरा सर्कल नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या फिर वो साइड या किनारे से टच होता है, जिसकी वजह से एक इफ़ेक्ट निकल के आता है, एक रियलिस्टिक आई जिस तरीके की होती है वो होती है। अनटिल जब तक आपकी आई शॉक में या फिर रेफरेंस फ़ोटो में ही वो शॉक में नहीं हो, तब तक आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि वो डायरेक्ट डार्क वैल्यूज़ को ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, और फिर वो लोग ज़्यादातर इसी चीज़ को पीपल में भी शो करते हैं, जिससे होता यह है कि ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग पाती, वो यही लगता है कि आप नूब हैं, एक अनाड़ी हैं। तो फिर इस चीज़ को बचने के लिए, काउंटर करने के लिए मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस तरीके से आप रियलिस्टिक तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है जितने बिगनर्स होते हैं वो डार्क वैल्यूज़ पे ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू शेड या फिर लाइटर वैल्यूज़ पे। उन्हें लगता है कि जल्दी करने की वजह से या फिर डार्क वैल्यूज से हमारा रियलिस्टिक लगेगा, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें दोनों ही चीज़ों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि लाइट और डार्क। आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। लाइट मानता हूँ शुरुआत में पता नहीं चलती कि कितना आपने लाइट शेड करा है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन एट द एंड जब आप रियलिस्टिक आई की तरफ जाते हैं और तो वही जो लाइट शेड है वो भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जितनी आपकी डार्क वैल्यूज़ होती हैं। चीज़ और जो मैंने बिगनर्स में देखी है वो ये है कि वो ज़्यादातर पेंसिल का तो यूज़ करते हैं लेकिन इरेज़र का बिल्कुल यूज़ नहीं करते। वो सोचते हैं सारी जो हाइलाइटेड एरिया है वो हम पेंसिल से ही ड्रॉ कर लें, लेकिन अगर आप एक आई रियलिस्टिक आई ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसमें आपको इरेज़र का यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड अब मैं बताने वाला हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वह ये कि जब आप आईलैशेस ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दें कि वो एक सही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे डायरेक्शन में बस आईलैशेस बना देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि डायरेक्शन क्या है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आईलैशेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगी कहाँ पर छोटी है कहाँ पर बड़ी है। अगर आपको रियलिस्टिक आई बनानी है तो आप ज़्यादातर ब्रशेस का यूज़ करें ब्लेंड करने के लिए, डायरेक्ट ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं करें। अगर आप आईब्रोज ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दें कि जितना हो सके उसे डार्क रखें, क्योंकि हेयर्स हमारे जितने भी होते हैं वो ब्लैक होते हैं। आईब्रोज में आप चारकोल यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो ध्यान रखिए, वो ये है कि आप एक डायरेक्शन में मत बनाइए आईब्रोज, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, ये एक डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होते, जो अनरियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लगता है। यही सेम केस आईब्रोज में भी होता है और यही सेम केस आईलैशेस में भी होता है। आप दोनों को ध्यान दे के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तभी आपकी रियलिस्टिक आई ड्रॉ हो पाएगी। ओके, तो जिस तरीके से मैंने डू नॉट वाला बताया था, मैं डू वाला बताता हूँ जो आपको करना चाहिए अगर आप एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप मेज़रमेंट ले लें जिस तरीके से मैंने इसमें लिया है। देन आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि आप रेफरेंस फ़ोटो को जितना देख सके, जितना उसे समझ सके उतना ज़्यादा करिए, और अगर आप हो सके तो बनाने में जितना टाइम हो सके उतना लीजिए।
जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्यूपल बिल्कुल गोल नहीं होता, उसमें थोड़ा सा ऊपर या नीचे पोजीशन में होता है, बिल्कुल सर्कल नहीं होता। और आईब्रोज़ भी आप एक बार रेफरेंस में देख लें कि किस तरीके से होती है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। इरेज़र का यूज़ करते हम बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं यूज़ करते इरेज़र, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी यूज़ करते हैं। बस जब वो फ्री हैंड ड्रॉ करते होते हैं तब वो इरेज़र का यूज़ नहीं करते, अदरवाइज़ जब हम कोई भी रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो हम इरेज़र का ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं। ओके, आफ्टर जब आप स्केच बना लें तो उसके बाद उसको मिटा दें ताकि ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आ सके, और जितनी भी अदर लाइन्स हैं उन सबको मिला के अब एक आप फाइनल वर्क बना सकते हो। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें जो पुरानी लाइन्स थी उन्हें मिटा के अब वो प्रॉपर पोजीशन पे प्रॉपर शेप में उन्हें दोबारा से ड्रॉ कराए, जिसकी हेल्प से आप शेडिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्ट आप सबसे लाइटेस्ट पेंसिल से करिए स्केचिंग में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर रहे हैं तो। जैसे कि मैंने बताया था कि आप ब्लेंडिंग ब्रशेस का यूज़ करिए, मैं भी इसमें ब्लेंडिंग ब्रशेस का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक अच्छा इफ़ेक्ट दे सकूँ। आप शुरुआत में जितनी लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो डायरेक्ट ही डार्क वैल्यूज़ पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें, लाइट पे जाएं। और आप अगर जा भी रहे तो देखें कि वो जो डार्क वैल्यूज़ है वो जब मैं ब्लेंड करूँगा तो वो कहीं दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा। जैसे मैंने इसमें करा है, इसमें मैंने बीच में करा है और साइड में करा है, जो कि इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर आप लाइंस के अलावा कहीं और करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इससे ये होगा कि जब मैसअप हो जाएगा नहीं सारा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। आप ईज़िली अब इसे देखिए और ऑब्ज़र्व करिए कि मैंने कहाँ पर क्या किया है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, आप इसे ईज़िली ऑब्ज़र्व करिए बैठ के। प्यूपिल में जितना हो सके उतनी डिटेलिंग करिए, क्योंकि वो मेन सेंटर है आई का। और जितना मैं कहता हूँ जितना हो सके उतना रेफरेंस फ़ोटो को देखिए और देखिए कहाँ कहाँ लाइनें यूज़ हुई हैं। और मेरे हिसाब से आप रफ़ पेपर, जो टेक्सचर्ड पेपर होते हैं, उनका यूज़ करिए, क्योंकि उसमें आपको ऑटोमेटिक टेक्सचर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ, अगर आप अभी बिगनर हैं तो। और जितना हो सके इसको ध्यान से देखिए, रेफरेंस फ़ोटो जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना ही ज़्यादा वैल्यूज़ ऑप्ट हो कहेंगी, इतनी ज़्यादा अच्छी हो कहेंगी। जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में बताया ही था कि निडेबल इरेजर का बहुत यूज़ होता है, जब एक्स्ट्रा ग्रेफाइट लग जाता है तो आप उसकी मदद से हटा सकते हैं। उसी तरीके से आप अगर यूज़ करना चाहते हैं ग्रेफाइट को जो आपका पहले से ही लगा हुआ है, तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो आप पेंसिल से ग्रेफाइट यूज़ कर ही सकते हैं उससे डायरेक्ट लेके। अब यहाँ पे जाके मैंने डार्क जो है ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना शुरू करी है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब लाइट का वर्क हो गया, अब मैं डार्क की तरफ बढ़ूँगा। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखें कि कहाँ पे लाइट और कहाँ पे डार्क यूज़ करी जाएगी। जैसे मैंने दिखाया आपको कि जब मैंने लाइट पेंसिल यूज़ करी तो मैंने ज़्यादातर ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करा है, एंड अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क जितने भी ग्रेड होते हैं उनको ब्रश हैंडल नहीं कर पाता। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास स्मूथ ब्रश हो सके तो आप उसका यूज़ करिए, अदरवाइज़ तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर ही सकते हैं, एंड उसके जगह पर आप रिप्लेसमेंट में ब्लेंडिंग बड्स जो होती हैं उनसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं अगर आप अभी स्टार्ट कर रहा है तो। इट्स एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप रियलिस्टिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा है कि आपको लेयर बाय लेयर काम करना होगा, आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। उससे ये होगा कि सब मैसअप हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज दे रहे तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए जितना हो सके उतना ज़्यादा आराम से और उतना ज़्यादा लेयर बाय लेयर काम करिए, और लेयरिंग इम्पॉर्टेंट होती है काफ़ी। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है कुछ हिस्सा जो कि मैं बाद में हाईलाइट करने के यूज़ में लूँगा। अगर आप एक आई ड्रॉ कर रहे हैं रियलिस्टिक, तो उसमें नीचे के आईलैशेस जो होते हैं वो सीधा सीधा आपके जो दिखते हैं वो सिर्फ स्किन की वजह से दिखते हैं, तो आपको स्किन भी उतनी ही रियलिस्टिक ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि बस आप मैं समझाने के लिए यहाँ पे बनाई है, तो आप देख सकते हो कि
इस तरीके से आप स्किन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बस एक दिखाने के लिए ही सिर्फ मैंने यहाँ पे स्किन बनाई है। यहाँ पे मैंने इरेज़र यूज़ करके सब हटा दिया ताकि साफ़ रहे। ये हिस्सा जो है बेसिकली यूज़ होता है आईलैशेस के लिए, और यहाँ पे अभी आईब्रोज़ के लिए मैंने पहली लेयर जो है वो डार्क से करी है, क्योंकि आईब्रोज़ जो होते हैं वो बहुत ही डार्क होते हैं, तो उसके लिए रहता ये है कि आप जितना हो सके उसे डार्क रखिए। दैन जब आप वहाँ के हेयर ड्रॉ करेंगे तो वो ब्लैक ही होते हैं, तो आप जितना हो सके पहली लेयर को डार्क रखिए, और बाद में आप चारकोल का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए। ओके, तो अब हम सीधा इस पे जितने भी रह गए एरिया जो ग्रेफाइट पेंसिल इन्हें नहीं कवर कर पाई है, वो मैं चारकोल पेंसिल से करूँगा ताकि एक अच्छा इफ़ेक्ट आ सके। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, एंड डायरेक्ट यूज़ करना गलत, एक बेकार इफ़ेक्ट देता, गंदा इफ़ेक्ट देता है, जो कि आप देख ही सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने अब आईलैशेस, आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इन्हें बनाया है ताकि एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट दे सके। एंड आप देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है, और यही हमारे रियल फेसेस जो होते हैं उनमें भी इसी तरीके का आईलैशेस होते हैं, उन्हीं को मैंने रेफरेंस लेते हुए बनाया। आप रेफरेंस फ़ोटो में देखिए कि आईलैशेस की डायरेक्शन कहाँ पे है। नीचे जो मैंने जगह छोड़ी थी वो मेन जगह है जो कि यूज़ होती है आईलैशेस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से निखारने में। अभी मैं यहाँ पे मोनोटोम्बो ज़ीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ ताकि सारी हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट कर सकूँ, एंड लास्ट में मैं थोड़ा सा टेक्सचर दे रहा हूँ जो स्किन में होता है, जिससे थोड़ा बहुत ये रियलिस्टिक लगे। बाकी मैंने ये हाइपर रियलिस्टिक नहीं बनाई है, तो आप इसमें तो कंप्लेंट नहीं कर सकते। आईब्रोज़ में भी मैं यही बताने वाला हूँ कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। चाहे आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मैंने इन्हें ड्रॉ किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं, और ये रियल में जो आईब्रोज़ होती हैं वो इसी तरीके के होती हैं। आप ज़्यादा ग्रेड का भी चारकोल की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट कर सकें। एट लास्ट अगर आपको लगता है कि स्किन में टेक्सचर नहीं आया तो आप दोबारा से कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। अगर आप इसको देख के बना रहे हैं तो बेशक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डार्क वैल्यूज़ करने के लिए ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल ली थी। यहाँ पे मैंने कुछ फाइनल टच के लिए पेंसिल को यूज़ किया ताकि टेक्सचर दे सकूँ। एंड एट लास्ट आप मोनोटोम्बो ज़ीरो इरेज़र या फिर किसी भी इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं हाइलाइट्स के लिए, और अगर आपको लगे इससे हाइलाइट से काम नहीं बनना तो आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको हाइलाइट्स देनी है अपने आर्टवर्क में, बट ये एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है। आप इंटेंटिंग टेक्निक या फिर मोनोटोम्बो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है।